जी अस्सलाम वालेकुम, साइम तारिक मकाम ट्रैवल की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जा रहे हैं कागान वैली की एक खूबसूरत वैली घनूर वैली में, और वहाँ पर हम विंटर सीजन देखने जा रहे हैं। वहाँ स्नोफॉल हुई हुई है, स्नोफॉल दिखाएंगे। घनूर वैली का एक और मेरा समर्स का जो वीलॉग है जिसमें लश ग्रीन आप मेडोज देख सकते हैं और जंगल देख सकते हैं, वो एक और वीलॉग है, उसमें आप जाके उसको देख सकते हैं। लेकिन विंटर के लिए कैसी बर्फ़ है और कितनी वो ज़बरदस्त खूबसूरत जगह है वो आपको दिखाएंगे। साथ साथ आपको दिखाएंगे पाकिस्तान में पैदा होने वाली, या अब तो पैदा होती है, ट्राउट फिश, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और थोड़ी सी एक्सपेंसिव फिश है, और वो कहाँ बनती है, किस तरीके से वो वहाँ से निकलती है और किस तरीके से यहाँ हमारे नीचे इलाकों में, पंजाब में और सिंध में जाके या केपी में जाके सेल होती है। तो चलें हमारे साथ, साथ साथ आपको दिखाते हैं मोटरवे और जाएंगे हम घनूर वैली। हाँ जी, तो हम लोग घनूर गांव आ चुके हैं और स्नोफॉल हो रही है, और सुबह आपको लेके जाएंगे फिश फार्म, अभी जाके आग लगाएंगे, आपको वो भी चेक कराते हैं। हाँ जी, तो बालाकोट के मशहूर कबाबों के बारे में तो आपको मैंने बताया ही था, और ये मज़े है कबाब अगर आप बर्फ़ में खड़े हुए खाएं, मज़ा ही आ जाता है। सिचुएशन इस तरह की है कि मेरा जो दूसरा फ़ोन है जिससे मैं वीलॉग बनाता हूँ उसकी बैटरी होगी है ड्रेन, क्योंकि ठंडा मौसम है और आईफोन जो है वो अपनी बैटरी ड्रेन कर देता है। तो मैं बनाऊंगा इस रेडमी अपने फ़ोन के साथ, अभी जैसा भी रिजल्ट है उसके साथ आपको दिखाएंगे। खूबसूरत बर्फ़ आप देख सकते हैं मेरे आगे पीछे, और एक ऐसा मैजिकल सीन है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये कि अगर आप खुद एक्सपीरियंस करें तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आगे चलें, ड्रोन की फिर एक सिचुएशन ये है कि मेरे, क्योंकि आईफोन बंद हो चुका है, तो ड्रोन की एक शॉट मैंने बना ली थी, इससे आगे जाके कोई चांस हुआ तो आपको मिल जाएंगे ड्रोन शॉट्स, अदरवाइज तो वो ही है। हाँ जी, तो इसके बीच में हमने नाला भी क्रॉस करना है, बॉयज गिरते फिर रहे हैं पानी में। हाँ जी, तो हम इस बर्फ़ में ढके फिश फॉर्म पे आ चुके हैं। फिश किस तरह छोटी है, उसके बाद बड़ी होती है, कितना टाइम लगता है वो आपको दिखाते हैं। तो चलें फिश फॉर्म के अंदर चलते हैं।
ये है जी बेबी ट्राउट्स और ये हैं तकरीबन 8 महीने की, ठीक है। ये बिल्कुल छोटी छोटी सी होती हैं, इनको यहाँ पे इस ग्रीन हाउस के अंदर रखा जाता है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जब ये बड़ी होती हैं तो इनको बाहर निकालते हैं। और बाहर का सीन ये है, ये देखो, ये तकरीबन 2 साल की इनकी एज है और ये तकरीबन रेडी हैं अपनी डिलीवरीज के लिए, ताकि ये जाएं और आप लोग खाएं और मज़े उड़ाएं। तो एक ट्राउट को मैच्योर होते होते खाने काबिल बनते बनते इसको 2 साल तकरीबन लग जाते हैं। तो वादी घनोल का आपने फिश फार्म तो देख लिया, ये देख लिया कि हम फिश जो है ना वो बड़ी किस तरह होती है, पलती किस तरह है और उसको पकड़ते किस तरह है। तो आए अभी इसका बारबेक्यू करेंगे यहाँ फ्रेश फिश का और वो खाएंगे और आपको दिखाते हैं कि इसका बारबेक्यू कितना टेस्टी और कितना लजीज बनता है। हाँ जी, तो हमारा कोयला हो गया तैयार, ले आए जी फिश। फिश को रखेंगे इसके ऊपर ऐसे, इस पे हमने कोई मसाले लगाया, कोई ऑयल नहीं लगाएंगे, इसकी अपनी स्किन के ऑयल में ये फिश तैयार होगी, पकेगी। ये जनाब हमारी ट्राउट तैयार है, ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन टेस्ट है, मसालों के बगैर बारबेक्यू, क्रेजी। हाँ जी, तो अगर आपको ये वीलॉग पसंद आया तो इस पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ट्राउट फिश का ऑर्डर करना चाहते हैं हमारे नीचे दिए गए नंबर पे ऑर्डर कर सकते हैं, आपको होम डिलीवरी मिलेगी सब जितने ही बड़े शहर हैं उनमें, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में। और अगर आप इस खूबसूरत घनोल वैली का विज़िट करना चाहते हैं समर्स में या विंटर्स में, तो फिर भी नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह आपको ये एक नई वैली है जो कि एक्सप्लोर हुई है कागान वैली के अंदर, इस्लामाबाद से बिल्कुल 3 घंटे की ड्राइव में, ऑल सीजनल वैली, यहाँ का विजिट आपको कराएंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, बॉन वायाज।